चेन्नई सुपर किंग्स नाम तो सुना ही होगा और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चेन्नई के 5 सुपर हीरोज के बारे में जो गुजरात के खिलाफ तबाही मचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैच से पहले ही हार्दिक पांड्या की फटने लगी है, गुजरात वालों अब तुम्हारी खैर नहीं है क्योंकि थाला कमबैक कर चुका है और येलो आर्मी को देखकर हार्दिक लाल हो गए हैं। अरे भैया प्रैक्टिस में तो ट्रेलर चल रहा है, मजा तो 31 मार्च को थिएटर में आएगा जब फुल HD में गुजरात को पेला जाएगा। अरे अरे आप क्यों शांत बैठे हो, कमेंट करके अपने भी बड़ास निकाल लो। रुको जरा अब बात कर लेते हैं उन 5 बड़े कलाकारों की जो 31 मार्च को गुजरात को नागिन डांस कराएंगे। तो पहले कलाकार का नाम है रविंद्र जडेजा, जिनका बल्ला जब चलता है तो ये महफिल लूट लेते हैं और चीयर गर्ल्स ऐसे ठुमके लगाती हैं जैसे बारात आई हो। जडेजा डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं जो बॉलिंग से तो तबाही मचाएंगे ही और जो कमी रहेगी उसे 2.5 फुट के डंडे से कूट कर भरपाई कर लेंगे। गुजरात वालों इन भाई साहब से बचकर रहना, नहीं तो ये जड्डू कद्दू बना देंगे। जडेजा IPL में 132 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं और 2500 से ज्यादा रन भी ठोक चुके हैं। दूसरे कलाकार का नाम है बेन स्टॉक्स, जो ऑक्शन के मेले में मिल गए और येलो आर्मी में भर्ती हो गए और ये आदमी अकेले दम पर अंग्रेजों को T20 ट्रॉफी भी जिता चुका है। अब ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक को लॉलीपॉप देकर अपना जलवा दिखाएगा। बेन स्टॉक्स को दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी माना जाता है, जो अब तक IPL में 44 मुकाबले खेल चुके हैं और अपनी बैटिंग से 900 से ज्यादा रन और बॉलिंग से 28 विकेट चटका चुके हैं। तीसरे बड़े कलाकार का नाम है दीपक चाहर, जो पावर प्ले में विकेट निकालने में माहिर है। चेन्नई के कलेजे को ठंडक मिली है कि दीपक चाहर इस सीजन में पूरी तरह से फिट हैं, क्योंकि पिछले सीजन में दीपक चोट की वजह से सीजन से बाहर थे और पिछले सीजन में चेन्नई का जो हाल हुआ वो हम सबको पता है। दीपक चाहर IPL में अब तक 63 मुकाबले खेल चुके हैं और अपनी घातक बॉलिंग की दम पर 60 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। चौथे बड़े कलाकार का नाम है दर्शन सनाका, जिन्हें गुजरात की लंका लगाने के लिए लंका से बुलाया गया है, जिन्हें कायली जेमिसन के रिप्लेसमेंट पर साइन किया गया है। दर्शन सनाका पिच हिटर बैट्समैन है और सनाका अपनी बॉलिंग से भी जोहर दिखाएंगे। इतना ही नहीं, जब ये ऑलराउंडर खिलाड़ी जब मारना शुरू करता है तो गेंदबाज छक्के बन जाते हैं। जबकि पांचवे कलाकार का नाम है मिचेल सेंटनर, जिन्हें पिछले सीजन में तो मौका नहीं मिला लेकिन इस सीजन में पक्का सेंटनर खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो मशहूर स्पिन गेंदबाजों में से एक है। चेन्नई को इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को मौका जरूर देना चाहिए। गाइस इन 5 कलाकारों के बारे में आपका रिएक्शन क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर आप IPL को बिल्कुल फ्री देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, जहां आपको IPL की अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।